खाना बन के रेडी हो गया और कल दीदी नहीं आएंगे इसलिए। खाना बन के रेडी हो गया और कल दीदी नहीं आएंगे इसलिए मैंने थोड़े बर्तन धुल के रख दिए क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बर्तन चाहिए होंगे। झाड़ू पोछा पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ पे आंधी आई थी, आंधी में देखो क्या हुआ, अभी सही। फाइनली अब मैंने लगा दिया, अब जाके खाना वाना खाएंगे। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मंडे और तारीख है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को मेरा वीक ऑफ था और टाइम हो रहा 12 बज के कुछ। और मैं आज बहुत लेट उठी हूँ सो के, क्योंकि मेरे पास एक ही छुट्टी होती है, वीक में एक वीक ऑफ मिलता है। तो इस वजह वीक ऑफ का मैंने पूरा लुत्फ़ उठाया, आप मेरी आंखें देख सकते हैं। अभी मैं चाय बना के जस्ट ले जा रही हूँ, चाय हम दोनों पियेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड का वीक ऑफ सिर्फ सैटरडे और संडे होता है। लेकिन मेरा वीक ऑफ वीक में किसी भी दिन छुट्टी ले सकते हो, पर सैटरडे संडे ऑफ नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता के रखा है। तो आज मेरा आप सारा रूटीन देखेंगे छुट्टी वाले दिन, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। आज मैंने कोई भी काम बना के नहीं रखा कि मुझे ये करना है वो करना है, वरना हर छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ काम होता है। पर आज मैंने सोच के रखा है आज फुल रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। क्योंकि मेरा क्या होता है, मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, यहाँ 1 घंटे पहले एक्स्ट्रा निकलना पड़ता है जॉब के लिए, क्योंकि जॉब बहुत दूर है। तो मेरे ना कुछ नहीं तो मेरे 10-10, 12-12 घंटे या मुझे कभी कभार 16 घंटे ऐसे करने पड़ते हैं कि जैसे कोई मजदूर अपनी जॉब पे जाता है। तो मुझे वो 16 घंटे या 12 घंटे की नींद या रेस्ट मेरी बॉडी को नहीं मिल पाता, क्योंकि 8-10 घंटे कंटिन्यू खड़े रहना नॉट ए ईजी टास्क, ठीक है। तो इसलिए मैं सोची अपनी बॉडी को फुल रिलैक्स करूँगी आज और थोड़ा सा रिलीफ दूँगी। और अभी जाऊँगी चाय पीऊँगी। और अभी दीदी आई नहीं, दीदी को मैंने बोला था लेट आना, तो आज दीदी लेट आएंगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से, फिर बात करते हैं। मैं गई थी बाज़ार और बाज़ार से होके आई हूँ, सब्ज़ी लेने गई थी क्योंकि कल से मेरा ऑफिस फिर से स्टार्ट है, तो 6 दिन फिर से काम पर जाओ, इसलिए मैंने सोचा पहले निपटा लो अपना जो भी काम है। तो मैं सब्जी ले ली, सब्जी में ज़्यादा कुछ लेके नहीं, टमाटर लेके आई हूँ। और अभी मैं इसको धुल के रख दूँगी फिर फ्रिज। मेरा आधा काम जो होता है मैं पहले निपटाना चाहती हूँ कि मेरा पहले काम निपट गया है। और लौकी लेके आई हूँ, लौकी की सब्जी बनाऊँगी और प्याज मिर्च, चलो काम करते अपना। तो अभी मैंने अरहर की दाल और चावल, अभी मैंने सोचा रात में ना हल्का फुल्का कुछ खाना है, दाल चावल बना रही हूँ और आप लोग देख रहे होंगे। मेरी पता नहीं, मुझे अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कभी कभार ऐसा मन होता है कि आराम से ना सुकून भरी मौत मिल जाए, सही बता रही हूँ। कभी कभार सच में इंसान है ना बहुत ज़्यादा थक जाता है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। कभी कभार ऐसा लगता है कि सीरियसली दुनिया में किसी को कुछ ना हो उसके बदले मुझे हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ की मुझे इतनी ज़रूरत है। बस मेरे पापा मेरे लिए इतनी दुआ मनाते रहते हैं कि मुझे ना तो तबीयत ख़राब होती है ना मेरा कुछ होता बुरा, बस मेरा ये बुरा हो जाए इस बार कि मैं निपट जाऊँ। मैं वो सही में थक गई हूँ अपनी ज़िंदगी से, आराम करना चाहती हूँ, सुकून भरी मौत के साथ मरना चाहती हूँ। ये सुकून से ये मरने भी नहीं देगा मुझे, ये देखो मुझे चाहिए खुजली लो, ये खुश, ये देखो लूडो मम्मी मर जाए, लूडो मम्मी मर जाए, लूडो की मम्मी मर जाए, लूडो मम्मी मर जाए, क्या मम्मी मर जाए ये बताओ, मम्मी मर जाए, मम्मी। तो अभी हम लोग खाएंगे मोमोज, दाल चावल रेडी हो गए, वो पता नहीं कितनी देर में खाऊंगी और मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है। कल से फिर जाओ ऑफिस, फिर से वही राग, फिर से वही एक्स्ट्रा काम, फिर से वही ज़िंदगी।
और मेरे पति की तो वही जिंदगी चल रही है अभी भी। रात को 10:30 बज रहे हैं और इनका चल रहा है काम, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है ना। अपने में बहुत सारा काम है ना आपका नहीं ये काम नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को झूठा बना दिया, काम नहीं है आपको। मेरी ऑडियंस पूछती है आपके पति ने लास्ट टाइम कब स्माइल की थी, आपने लास्ट टाइम कब स्माइल की थी, आपको हंसना आता है क्या? बहुत बिजी है, आपको हंसना आता है, हंस के दिखाना जरा। 1, 2 और ये कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा अंदर से हंसी आ रही है। और ये इंसान अभी थोड़ी देर में देखना कैसे स्माइल करेगा। नहीं करोगे स्माइल? स्माइल नहीं करोगे? हमारा झगड़ा हो गया है। झगड़ा हो गया क्या? स्कूल में जैसे बच्चों को डांट नहीं दिया जाता, पनिशमेंट दी जाती है, वैसे मेरे पति देव इस टाइम पे जैसे काम कर रहे हैं ना, छोटा बच्चा जैसे पनिशमेंट मिल जाती है उसको, हंसना मना है तो वो ऐसे बैठ जाता है। आज जब तक जो स्माइल नहीं करेंगे तब तक मैं ऐसे कैमरा लगाए रहूंगी। फाइनली मोमोज आ गए हैं, देख सकते हैं ये हमारे मोमोज, और हम जाएंगे मोमोज खाएंगे।